बहरहाल हमारा अकीदा वही है जो है ये सुन्नत व जमात का है। और एक बात और बता दूं, वो ये है कि सबको ये एतराज है कि जो हमें नहीं मानता है वो कुछ नहीं है। तो सुन ले, अहले सुन्नत व जमात जिसको जिस हैसियत से मानती है हमें भी उनसे कोई इनकार नहीं है। हम अपने पीर व मुर्शिद की तरफ मुतवज्जे हैं और हमें अपने पीर व मुर्शिद से फैज हासिल करना है और उसकी शरायत में से है कि तमाम तरफ से मुंह मोड़कर अपने मुर्शिद की तरफ मुतवज्जे हो जाए और हमें अपने मुर्शिद से फैज हासिल करने के लिए उन्हीं की तरफ मुकम्मल तौर पर सबको भूल के रुजू होना तभी हमें मिलेगा। इस बात पर हमारी कोई नाला हो या तकलीफ हो हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, समझे। उर्स की तकलीफ बात जो है वो सिर्फ इसलिए मनाई जाती है कि दूर दराज के तमाम तीन भाई लोग आए, आप अपने मिल बैठे एक दूसरे हल मोमिनों पर अगर मोमिन का आईना आए, एक दूसरे के उमूर से अक्स से एक दूसरे के कुलूब को फायदा पहुंचता है। हम लोग मिल बैठे एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे हों, अपनी नेकियां उनके अंदर मुंतकिल करें, उनकी नेकियां अपने अंदर समाए और अपने पीर के तवस्सुल से और उनकी ताकत और उनके फैजान से अपने आप को मालामाल करें। अल्लाह आपको सबको नेक तौफीक अता फरमाए, अच्छे रास्ते पे चलने की तौफीक दे और इन सब झगड़े कट्टों से महफूज रखे। हमारे पीर भाइयों से भी थोड़ी शिकायत है, वो ये है कि आप लोग क्यों घबराते हैं अपना अता पता दे देंगे, डरते हो गए कहीं और कह देगा कि तुम ये नहीं हो तो मुसलमान नहीं हो, दंगे की चोट में गाओ कि हम शराफती हैं। और सुन लें, खानकाह से जुड़े हुए खानकाह शरीफ से जुड़े हुए काफी तादाद में मुफ्तियाने कराम है और उलमा भी है और हुफ्फाज का तो कोई गिनती और शुमार नहीं है, मगर वो सारे के सारे आजकल के जो मौलवी है ना, जो कोई किसी को रसूल बता रहा है और कोई किसी को मैं क्या कहूँ, ये सब बातें उन बातों में आती है जिनका तस्करा करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं और अच्छा भी नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक साहब ने लिखा कि अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो काम करबला में किया वो हमारे मुफ्ती ने अपने कलम से कर दिया, किताब में रिसाले में लिखा है। ये सब बातें तस्करा करने की है, आप लोग क्यों घबराते हैं, क्या बात है? तुम अल्लाह को मुंह दिखाओगे, मौलवियों को मुंह दिखाओगे, तुम्हारी रोज तुम्हें यह नहीं मालूम है अल्लाह ने रोजी मुकर्रर फरमा दी है, तुम्हारे साथ तुम्हारा साथ भेजा है, तुम रोजी रोटी के लिए इमामत के लिए मस्जिदों की एक साफ महाराज कोई किसी को अमीरुल मोमिनीन बता रहा है, कोई किसी को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है।